आप, आप क्या कर रहे हैं तो like खास नहीं बट ऐसा नहीं है दैट इज नॉट करेक्ट यू नो वाई बिकॉज वाइ यूर जस्ट सिटिंग आपकी बॉडी एक इंतहाई इनक्रेडिबल काम कर रही है और वो क्या है इट इज़ दैट योर बॉडी इज कीपिंग एवरी थिंग इन बैलेंस इट इज मेंटेनिंग एन इंटरनल इन्वायरमेंट वरी बायो कैमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग फ्लॉलेसली एंड इट्स नॉट जस्ट यू ऑलमोस्ट एवरी लिविंग बींग दिस केपेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस और इसी केपेबिलिटी को हम कहते हैं म्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज द मेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इनवायरमेंट यानी कि मतलब यह हुआ कि बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट सेम रहना चाहिए और इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं होम्योस्टेसिस यानी अगर बाहर ठंड भी है बाहर लेट्स सपोज माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर फिर भी थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ही रहेगा सेम इज द केस विथ एवरी थिंग आपका फ्लोअ बैलेंस आपके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन सब कुछ जो है आपके ऑक्सीजन लेवल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ये सारी चीजें जो हैं ये मेनटेन रहती हैं थ्रू अ प्रोसेस जिस जो कि बहुत सारे मैकेनिजम्स को फॉलो करता है इन दैट प्रोसेस इज़ होम्योस्टेसिस अब होम्योसेसिस जो है वो डिफरेंट मकैनिजम्स के थ्रू हो रही होती है अब वो मकैनिज्म क्या हैं वो मकैनिजम्स हैं उसमें सबसे पहला मकैनिज हमारे पास आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन अब ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है इट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लोअस यानी कि आपके ब्लड और टिश्यू फ्लूड्स जो हैं उनमें जो अमाउंट है वाटर की वो मेंटेन रहे कि ज़्यादा ना हो जाए या बहुत कम ना हो जाए यानी अगर आपके अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो एक ख़ास उसमें मेंटेन रहे वो बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए और बहुत कम भी ना हो जाए इसके साथ साथ आपके जो टिश्यू फ्लूड्स हैं उनमें भी वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहे फिर अगला जो मेकेज़म है जिसके थ्रू होम्योस्टेसिस हो रही होती है दैट इज़ थर्मो रेगोलेशन थर्मो थर्मो मीन्स हीट तो ये जो निकला है ये हीट से ही निकला है यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को हम कह रहे होते हैं थर्मोरेगुलेशन वही बात कि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है फिर भी आपका जो इंटरनल टेम्परेचर है दैट वुड बी अराउंड थर्टी सेवन डिग्री सेल्शियस तीसरा जो मेकैनिज़म है होम्योस्टेसिस परफॉर्म करने का वो है एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन का मतलब है कि आपके जो बॉडी है उसमें से जो वेस्ट मटीरियल है वो एक्सक्रीट हो जाए वो रिमूव हो जाए इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू मेनटेन द इंटरनल कंडीशंस फॉर एग्ज़ाम्पल वन यू ईट आप सारी चीजें डायजेस्ट नहीं कर सकते कुछ चीज़ें अनडाइजेस्टड रह है जाती हैं जैसे उनमें एक चीज़ है फाइबर वो अनडाइजेस्ट मटीरियल होता है उसके अलावा भी जो चीज़ें आप कंज्यूम कर भी लेते हैं उनसे भी वेस्ट जनरेट हो रहा होता है वो सारा का सारा वेस्ट जो है अगर आपके अंदर एकमुलेट होता रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जैसे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ सेम इज़ द केस विद पासिंग यूरिन कि अगर आप पानी पीते रहे चीज़ें खाते पीते रहे एंड इफ़ यू डू नॉट पास यूरिन तो आपके ब्लैडर के पास एक लिमिटेड सी एबिलिटी है कि वो इतनी देर तक यूरिन को स्टोर कर सकता है उसे ज़्यादा नहीं कर सकता तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है इस फॉर्म में वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए तो उन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन